वाली हूँ विंटर्स के लिए कुछ क्लॉथ्स, यानी कि मैंने परचेज किए हैं कुछ क्लॉथ्स क्योंकि विंटर्स आ गई हैं थोड़ी थोड़ी और बहुत ज्यादा वाली आने वाली है। तो मैंने कुछ क्लॉथ्स परचेज किए हैं, स्वेटर्स हैं, स्वेटशर्ट हैं, हुडी हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूं। और जितने भी मैंने स्वेटशर्ट हुडी वगैरह जो भी परचेज किए हैं सब रिसेंट में परचेज किए हैं, सबकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और सब मैंने परचेज किए हैं शीन से। हाँ, शीन के कपड़े थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन ये जो मैंने परचेज किए हैं बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आप एक बार जरूर से जरूर जाके चेकअप कर लें और बहुत ही इनकी क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत ही फ्लफी टाइप के हैं और बहुत ही कलर्स, मतलब सारे कलर्स मैंने इसमें ले लिए हैं। शेयर करूंगी टोटल 4 से 5 स्वेटशर्ट ही शेयर करूंगी, ज्यादा तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जितने भी स्वेटशर्ट और हुडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, रीजनेबल प्राइस में, तो आप जरूर से एक बार जाके चेकआउट कर ले। तो और हाँ, मैं आपको इन्हें पहन के भी वियर करके बता दूंगी एक बार, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि वियर करने के बाद ये कैसे लगेंगे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर करना मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। गाइस, जो फर्स्ट वाला स्वेटशर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये वाला स्वेटशर्ट, और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना ग्लैमरस है, क्योंकि इसमें जो सिक्वेंस वर्क किया हुआ है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, थोड़ा अलग है, बिल्कुल लुक इसका हटके है। तो मैं आपको इसे ओपन करके बताती हूँ। तो आपको ये इस टाइप में स्वेटशर्ट मिलेगा और इसमें मेरा साइज है M, मैंने M साइज परचेज किया। वैसे मेरी स्मॉल साइज आ जाता है लेकिन स्वेटशर्ट में मैंने M साइज परचेज किया क्योंकि ये थोड़े लूज होते हैं ना तो ही ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल लगते हैं, थोड़ा वो S साइज थोड़ा सा मेरे टाइट रहता है। अगर टॉप्स वगैरह परचेज करो तो उसमें ठीक लगता है। बस स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, फ्लफी सी है। और इसका जो मेन पार्ट है बीच वाला ये आपको प्लेन मिलेगा, राउंड नेक है इसमें, यहाँ पे इसमें सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, आगे स्लीव्स पे इस तरीके से इसमें ऐसे फ्लफी फ्लफी सा डिजाइन बना हुआ है टेडी बियर जैसा, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है पहनने पे। और इसमें जो कलर्स अवेलेबल थे उसमें 3 कलर्स थे, मैंने पिंक वाला परचेज किया। अगर आप इसे कहीं भी वियर करते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लुक देगा, अमेजिंग। और हाँ, सीक्वेंस वर्क अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको इसमें सीक्वेंस वर्क मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी हटेगा नहीं, मतलब बहुत अच्छे से इसमें सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये जड़ गए या फिर ऐसा वगैरह कुछ कुछ भी नहीं है इस टाइप का। चलो मैं आपको इसे वियर करके बताती हूँ वियर करने पे कैसा लगेगा। मस्टर्ड कलर स्वेटशर्ट हुडी है ये, इसमें कैप है पीछे तो एक हुडी है, तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं कितना क्यूट है ये। और यहाँ पे आपको इसमें कैट बनी हुई मिलेगी, यहाँ पे बनी हुई है इसमें कैट। हाँ, इसमें भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे, मैंने मस्टर्ड कलर परचेज किया क्योंकि मुझे ये मेरे पास ये था भी नहीं और मुझे काफी अच्छा लगा, वो जितने भी कलर्स अवेलेबल थे उन सब में मुझे सबसे अच्छा कलर यही वाला लगा, तो मैंने मस्टर्ड कलर परचेज कर लिया। इसमें भी मेरा साइज है M और इसमें आपको जो कैप मिलेगी उसमें इस तरीके के आपको इतना क्यूट से ईयर्स मिलेंगे, ये है कैट के ईयर्स, तो ये पहनने पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत ही क्यूट सा लुक देता है ये स्वेटशर्ट वियर करने पे। गाइस, जितने भी मैंने 4 से 5 स्वेटशर्ट परचेज किए ना इसमें आपको क्वालिटी इशू तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। शायद आपके साथ शेयर किया हुआ है लेकिन ये वाली वीडियो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ, इसको मैंने पहले परचेज किया था
तो इसमें आपको मिलेगी राउंड नेक पूरा, आपको ये बिल्कुल भी सिंपल मिलेगा, बस आपको इसमें स्लीव्स पे इस तरीके से रिबन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। ये आपको मिलेगा स्काई ब्लू कलर में और इसमें भी मेरा साइज है एम, और इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप परचेज करना चाहें तो चेकआउट कर लें। ये आपको फुल सिंपल मिलेगा, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा अमेजिंग सा लुक देता है। हुडी है वो है पिंक कलर में, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्यूट है ये। इस तरीके का आपको इसमें प्रिंट मिलेगा, इसमें भी मेरा साइज है एम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अमेजिंग है। इसकी कैप भी आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, इसमें दो इयर्स मिलेंगे आपको कैट वाले, तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं वियर करने पे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्वेट शर्ट, एक तो इसका कलर भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, दूसरा इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग है, और रेट भी इसकी ज्यादा नहीं है, वो ही 700-800 के आसपास है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लें। शेयर कर रही हूँ वो आपको कुछ ये इस तरीके का मिलेगा, ये है थ्री कलर्स हुडी, सॉरी ये है थ्री कलर्स हुडी, तो इस तरीके का आपको ये हुडी मिलेगा, और ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा कोई इसमें प्रिंट नहीं किया हुआ, लेकिन ये थ्री कलर हुडी है, मैरून व्हाइट और ब्लैक, इसमें भी शायद शीन पे एक दो कलर और अवेलेबल थे, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा कलर ये वाला बहुत अच्छा लगा, कलर जो तीन कलर का इसमें कॉम्बिनेशन है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला परचेज कर लिया। और इसमें भी मेरा साइज है एम, इसमें आपको इस तरीके की सिंपल कैप मिलेगी, तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा सिंपल और एलिगेंट क्लासी सा लुक दे रहा था, तो मैंने ये वाला परचेज कर लिया, और क्वालिटी और प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप एक बार चेकआउट कर लें। पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को, और प्लीज कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।